अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास बच्चों, आज हम स्टार्ट करें हमारे नेक्स्ट 10 idioms, ठीक है। idioms क्या होते हैं कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, और आज हम इसके नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट idioms करेंगे कि जो बोर्ड के पेपर में ज्यादातर आते हैं, ठीक है। फर्स्ट है फेयर विद अ फ्रेंड, ठीक है। फेयर विद अ फ्रेंड का मतलब होता है मतलबी दोस्त, ठीक है, मतलबी दोस्त। फेयर विद अ फ्रेंड, ठीक है। फेयर का मतलब तो इंसाफ या मुंसिफाना होता है, विद अ फ्रेंड यानी इसके ऑपोजिटली हो जाएगा कि मतलबी दोस्त, ठीक है। तो इसका सेंटेंस है बिगर ऑफ अ फेयर विद अ फ्रेंड, यानी मतलबी दोस्तों से बचा जाए, ठीक है, मतलबी दोस्तों से मुहतात रहा जाए या बचा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा एंड ओमेगा, ठीक है। अल्फा एंड ओमेगा कहते हैं अबलो हाफिर को, और हम इसको इसी सेंटेंस में अगर अलग अलग यूज कर लेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ इस्लाम इज दैट गॉड अल्लाह इज वन एंड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज प्रॉफिट, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी इस्लाम का अबलो हाफिर ये है कि अकीदा ये है कि अल्लाह तआला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तआला पहले है, वाहिद है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, ठीक है। नेक्स्ट है एटमंस, एटमंस का मतलब होता है फौरन, जल्दी से, ठीक है, फौरन। तो क्विकली या फास्टली इस तरह हम वो उसको जल्दी के लिए वर्ड यूज करेंगे, बट एटमंस का मतलब फौरन होता है। ज्यादातर हम लोग स्टोरीज में ये वाला आइडियम यूज करते हैं एटमंस, ठीक है। द वुल्फ कॉट द लैम एंड एटमंस टॉर इट इन टू पीसेस, ठीक है। भेड़िए ने जो लैम यानी भेड़िए ने जो बकरी का जो बच्चा था उसको यानी खाया, काटा, या लैम यानी हम कहते हैं भेड़िए को, भेड़िए वुल्फ यानी भेड़िया, यानी उसने बकरी के बच्चे को लैम यानी खाया, उसको टुकड़ों में तकसीम कर, ठीक है, फौरन एट वंस, ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑयली टंग, एन ऑयली टंग का मतलब हम कह सकते हैं बटर बटर टंग भी कह सकते हैं या बटरिंग भी कह सकते हैं, यानी चापलूसी करने वाली जुबान, ठीक है, जिसको हम मीठी छुरी भी कहते हैं या चापलूसी करने वाली जुबान भी कहते हैं। बिगर ऑफ द फ्रेंड्स हु हैव ऑयली टंग्स, यानी ऐसे दोस्तों से मोहताज रहा जाए जब जिनके पास चापलूसी करने वाली जुबान है, जो चापलूसी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ रोलिंग स्टोन, ठीक है। इस वैसे तो कंप्लीट इसका स्टोरी का मॉरल या वैसे यूजली हम ये प्रोवर्ब, बेसिकली ये प्रोवर्ब है, हम ये यूज करते हैं रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, ठीक है, गैदर्स नो मॉस, यानी धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी मतलब या धोखा या फ्रेबी इंसान जो एक जगह पर टिक के नहीं रहता और फिर दरबदर यानी कुत्तों की तरह दरबदर फिरता है, ठीक है, एक दर से दूसरे दर, दूसरे दर से तीसरे दर, यानी उसका फिर कोई ठिकाना नहीं रहता, जो अपना ठिकाना नहीं बनाता वो कहीं भी नहीं रह सकता, ठीक है। तो है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यानी धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, सिंपल इतना है। अ रोलिंग स्टोन आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है सकबत यानी खामोशी तोड़ना, ठीक है, यानी अपनी चुप्पी तोड़ देना या अपनी खामोशी तोड़ देना, ठीक है। ऑल वर सिटिंग साइलेंट आई ब्रोक द आइस, यानी तुम सब खामोश बैठे हुए थे और मैंने खामोशी तोड़ दी, ठीक है। नेक्स्ट है बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन कहते हैं अहम तरीन मसले को, ठीक है। क्वार्टर क्वेश्चन कहते हैं कि सवाल पर सवाल किया जाए, और बर्निंग क्वेश्चन कहते हैं अहम तरीन मसले, ठीक है। कश्मीर इज अ बर्निंग क्वेश्चन फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए कश्मीर जो है वो अहम तरीन मसला है। नेक्स्ट है कैसल्स इन द एयर, कैसल्स इन द, कैसल वैसे किलों को कहते हैं, इन द एयर यानी हवाई किले, जो हवाई किले बनाए जाते हैं या हम कहते हैं यानी हवाओं में किले बनाना या हवाई की इस तरह से। डू नॉट बिल्ड कैसल्स इन द एयर, यानी हवा में किले ना बनाया बनाए जाए, हवाई किले ना बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है अब पछताया क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी ऐसा काम ना किया जाए जिससे पछताना पड़े, अब पछताया क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट है लास्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट का मतलब होता है अव्वल या अव्वल दर्जे का, या फर्स्ट यानी स्टार्टेड अव्वल कहा जाएगा ऑलेयर, एंड अवलीन एंड फॉरमोस्ट यानी अहम तरीन, ठीक है। तो इसका सेंटेंस मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट इज टू स्टडी अर्नेस्टली, ठीक है, यानी एक तालिबे इल्म का ऑलेयर और अहम तरीन फर्ज ये है कि वो संजीदगी से पढ़े। तो आज के 10 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये हैं, नेक्स्ट इनका नाम करूँगा, ओके चला।